बता दीजिए, स्क्रीन साफ है, क्लियर है? जी सर, क्लियर जी सर, ओके। क्लियर तो है। देखिए बेसिकली क्या है, ये मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड वन की वैकेंसी निकाली गई थी, ये 2023 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, लास्ट ईयर की, और आज 15 फरवरी 2024 है। 19 अगस्त 2023 को ये टेस्ट पेपर हुआ था बिहार में एम्स का, है ना, ये एम्स का पेपर है। और यहाँ पर बेसिकली आंसर मिला है, हालांकि मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके सभी प्रश्नों के बारे में। तो एम्स मेडिकल सोशल वर्क में कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि 10 इसके अंतर्गत पार्ट है, और हर पार्ट के अंदर से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा अगर मैं बात करूं तो एक सेक्शन है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क का, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर सिलेबस देखेंगे एम्स का तो आपको इसी तरीके का दिखेगा। तो उसके अंतर्गत लगभग कुल 10 क्वेश्चंस थे और 10 नंबर के थे। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और ये जो ग्रीन में लिखा गया है इसने इसको सही माना है, इसको सही माना गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न कहता है कि व्यावसायिक समाजकारी की चैरिटी से अलग क्या करता है। प्रश्न को समझिएगा, हालांकि आप लोग समझ जा रहे हो इसी तरीके से, क्योंकि ये जब पेपर आया था तो कुछ इसी तरीके से निकला था, है ना, कि आप ये ग्रीन वाला ही करेक्ट है। हाँ ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे हर एक चीज़ों के बारे में। देखिए समाजकारी मानवतावादी दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण से किया जाता है, मतलब सामाजिक कार्य जो है मानवीय या मानवतावादी दृष्टिकोण से किया जाता है। देखो सोशल वर्क अगर मानवतावाद पर करोगे तो समाज कार्य क्या कहलाएगा, व्यवसाय समाज कार्य कभी मानवतावाद पर नहीं आधारित होता है, है ना, कि भाई सहानुभूत हो जाए उसके साथ, या आप जो है प्रतियंत्रण अंतरल वाली प्रतिक्रिया आ जाए, इसके आधार पे काम नहीं होता है, है ना। सोशल वर्क, व्यवसाय सोशल वर्क में जो है, अगर मैं बात करूँ 18वीं सदी में मानवतावाद दृष्टिकोण था 18वीं सदी में, लेकिन व्यवसाय समाजकारी में ना मानवतावादी और जो दान दक्षिणा था वो भी इन सभी को इन्वॉल्व कर लिया। आपने नाम सुना होगा सन 1948 में लेन क्लार्क ने किताब लिखी थी सोशल वर्क करके, प्रैक्टिस एंड, जी सर, उस किताब में बेसिकली उसने तीन युगों के बारे में बताया और उसी पर ये आधारित जो है प्रश्न बनाया गया। तो यहाँ सही जवाब होगा जो, फिर दूसरा ऑप्शन कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता के पास वर्षों का अनुभव हो, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि सामाजिक कार्यकर्ता के पास वर्षों का अनुभव हो तो वो व्यवसाय समाज कार्य कहलाएगा, और वो चैरिटी से अलग क्या करता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में ये भी नहीं होगा। और देखिए सामाजिक कार्य केवल, मैंने आप लोगों से कहा है, जब आज ही नोट करवाया है आप लोगों से 7 बजे वाली क्लास में, केवल वाला जब शब्द आता है, हमेशा वाला जब शब्द आता है, तो प्रश्न के आधार पे वो हमें समझा जाता है, लगभग 99% ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं, तो यहाँ पर आप इसको गलत कर सकते थे। ऑप्शन देखिए थर्ड, समाज कार्य स्वयं सहायता की क्षमता विकसित करने का प्रयास करता है, यानी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। उम्मीद है कि आप सभी लोग थर्ड की तरफ ही जा रहे हैं, कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी और ऑप्शन की तरफ झुकाव करना चाह रहे हैं, अपने मत अपने विचार बता सकते हो, उसको और जो है क्लियरफाई किया जाएगा। है इसके अलावा किसी और ऑप्शन की तरफ, बताइए प्लीज बोलिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आंसर मिला हुआ है, ये पेपर में ही ऐसे आया हुआ है, मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। जी सर, यही वाला लग रहा था, यही ना। हाँ तो इसको बताइए, बाकी देखिए अगर मैं इसको चाहूँ तो टाइप करवा के आप लोगों से करवाऊँ, ऐसा हो सकता था पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने कहा कि एम्स का आप एक बार देख लीजिए, इस तरीके का सवाल है, बाकी आने वाले टाइम में आप लोगों को ये टाइप होके मिलेगा, ये टाइप किया हुआ मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे अलग से, इसके आंसर मिलेंगे, है ना, ये आने वाले समय मिलेगा आपको किताबों में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 1601, अब देखो मैंने 1601 के बारे में पढ़ाया भी है हिस्ट्री में, है कि नहीं, बताया है वहाँ पे कि 1601 में लागू हुआ था एलिजाबेथन पुअर लॉ, और गरीबों के 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था। देखो दिव्यांग शरीर, नपुंसक और आश्रित बच्चा, जो है समर्थ शरीर वाला, अशक्त शरीर वाला और निराश्रित, और दिव्यांग शरीर वाला और सामर्थ्य शरीर वाला और निराश्रित। पहला जो ऑप्शन है वो है सामर्थ्य शरीर, नपुंसक निर्धन और आश्रित संतान, है ना। इस शब्द को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन जाएगा आपका, ये सत्य माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी न किसी ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ, देखिए इसमें दिव्यांग दे दिया जिसकी वजह से गलत हो गया, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप ये कह लीजिए कि अशक्त, बेसिकली दिव्यांग ही अशक्त शरीर वाला कहलाता है,
इसलिए ये भी यहाँ पे वही आ गया, यहाँ ऑलरेडी दिव्यांग आ गया है ना। बाकी तो कुछ कोई ना कोई चीज़ें मैच हो रही थी है ना, तो सही मैच करना था, सही वर्गीकरण करना था, जो कि ऑप्शन वाले में, ए वाले में अगर मैं बात करूँ तो वही करेक्ट है। अब ऐसे प्रश्न जब भी बनाए जाते हैं तो उसके प्रश्न में, उसके ऑप्शन में दिव्यांग शब्द जरूर आता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द आता है? दिव्यांग शब्द आता है, और ये शब्द को आप एलिमेंट कर देना, ये बात आप लोग ध्यान से ध्यान में रखिएगा, दिव्यांग को एलिमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला, अब देखो इन्होंने बेसिकली इसका कोई ऑप्शन चूज ही नहीं किया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था ना, इसलिए इन्होंने कुछ लगाया नहीं, ठीक है। तो आप इस पे मत जाइएगा, इसके जो आंसर वगैरह पे आप यहाँ जाइएगा, क्योंकि साफ शब्दों में, ग्रीन शब्दों में लिखा हुआ है। सामाजिक डार्विनवाद के विरुद्ध अपने रुख में समाज कार्य किसका विरोध करता है ना। तो ये मैंने पेपर भी शायद आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया है, मिल गया पेपर कि नहीं? मिला, हाँ जी सर, हाँ मिल गया, ठीक है। तो देखो, सामाजिक डार्विनवाद के विरुद्ध अपने रुख में समाज कार्य का किसका विरोध करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए बताइएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, प्लीज एक बार इस पे जरूर आप लोग अपना विचार डालें। क्या होना चाहिए प्लीज मैं बताऊं? ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही है सही भाई, अपने विचार सर, ये तो सही है, बट ये इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए थोड़ा। देखिए मैं बताऊँ, आपने नाम सुना होगा एक विद्वान का नाम, और वो नाम होगा उनका क्या बोलते हैं उसको, हर्बर्ट स्पेंसर का, हाँ स्पेंसर, हाँ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुना होगा। एक मिनट मैं दूसरे पेज पे लेता हूँ। अब देखिए, सामाजिक डार्विनवाद सन 1870 में, ठीक है, सामाजिक डार्विनवाद 1870 में, ठीक है। हालांकि आपको बता दें, यूके और यूएसए यानी इंग्लैंड और अमेरिका में जन्मे अनेक समाज सामाजिक सिद्धांतों का आधुनिक नाम है, जिसके अनुसार कहा गया कि किसी समाज में शक्तिशाली लोगों का प्रभाव, किसका, किसी समाज में, कोई भी समाज हो, उस समाज में शक्तिशाली लोगों का प्रभाव व धन बिना रोक टोक बढ़ते रहना चाहिए, जबकि निर्बलों का कम होते जाने चाहिए। इस तरीके का जो परिपेक्ष था वो कहीं ना कहीं सामाजिक डार्विन वाद को रिलेट करता था, वो सामाजिक डार्विन वाद को रिलेट करता था। अब सामाजिक डार्विन वाद था क्या? ये बेसिकली ना मानव समूह और जातियाँ प्राकृतिक चयन के उसी कानून के अधीन है जिसे चार्ल्स डार्विन ने पौधों और पशुओं की प्रकृति में देखा था। तो चार्ल्स डार्विन का जब नाम आता है तो वहाँ पर एक शब्द ये भी मिलता है, पौधों और पशुओं की प्रकृति के रूप में। हालांकि ये साफ शब्द में कहता है, इसका एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, आप ध्यान रखिएगा, योग्यतम की उत्तर जीविता, क्या है, योग्यतम की उत्तर जीविता। तो सामाजिक डार्विनवादी जो थे वो योग्यतम जीविता में विश्वास करते थे। अच्छा क्यों करते थे? यह विचार है कि कुछ लोग समाज में शक्तिशाली बन जाते हैं, ये कहते थे कि कुछ लोग समाज में शक्तिशाली बन जाते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं, इसलिए वो शक्तिशाली बन जाते हैं। तो उन्हीं को कहा गया कि योग्यतम की उत्तर जीविता। अब देखो प्रश्न क्या कहा, प्रश्न आपसे कहा कि सामाजिक डार्विनवाद के विरुद्ध में अपने रुख में समाज कार्य का किसका विरोध करता था, तो योग्यतम जीविता का विचार था उसमें, इसका विरोध था। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से बेहतर थे। पिछले 150 शताब्दी में विभिन्न समयों पर साम्राज्यवाद, नस्लवाद और यूजीनिक्स और सामाजिक असमानता को उचित ठहराने के लिए सामाजिक डार्विनवाद का उपयोग किया गया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कुछ और विद्वानों के नाम, ध्यान रखिएगा, विशेषकर हालांकि सामाजिक डार्विनवाद में चार्ल्स डार्विन का नाम है, ये बात करेक्ट है, यह आज मुख्य रूप से दूसरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। नंबर एक पे आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, नंबर दो पे आते हैं थॉमस माल्थस, मैं नाम नोट कर देता हूँ, ठीक है, स्पेंसर, दूसरे पे आते हैं थॉमस माल्थस, और तीसरे पे आते हैं यूजीनिक्स, यूजीनिक्स विद्वान का नाम है, यूजीनिक्स है ना, यूजीनिक्स, और उसके बाद आते हैं एक संस्थापक के रूप में उनका नाम आता है फ्रांसिस गाल्टन,
क्या नाम आता है, फ्रांसिस गाल्टन, किसमें, संस्थापक के रूप में, ठीक है, याद रहेगा, बताइए ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। जी सर, हाँ जी सर, हाँ बोलिए बोलिए सर, एक बार एक सिंपल वर्क में इसको समझा दीजिए ना, समझ नहीं आया मेरे को। अरे भाई साहब, समाज में आप जानते हो कुछ लोग शक्तिशाली हैं। जी सर, वो तो पता है, ये पता है, तो शक्तिशाली वही लोग हो सकते हैं ना जो स्वाभाविक रूप से अपने आप को बेहतर रहे समझेंगे, या जो अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करेंगे। जी, वही प्रक्रिया कहती है योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार, वही प्रतिक्रिया है। अब योग्यतम का मतलब आपको बताना पड़ेगा, योग्यतम का मतलब जानते हो क्या होता है, इष्टम, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि किसी जीव की अपने विशिष्ट वातावरण में जीवित रहने का पुनर्उत्पादन की क्षमता को दर्शाता हो तो वही योग्यतम है, सक्षम है कि नहीं, वही तो योग्यतम है। तो योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत कह लीजिए या उत्तर जीविका का, ये एक सिद्धांत भी है। और ये सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर का है। जी सर, क्या डार्विन ने इसको स्पष्ट किया वाला की बात रही, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये शब्द सामाजिक कार्य का किसका विरोध करता है, तो ये इसी का विरोध कर रहा था, इसी शब्द का विरोध कर रहा था, ठीक है, इसी शब्द का, योग्यतम का ही बेसिकली यह विचार ही है, क्योंकि जो समाज में शक्तिशाली बन जाते हैं वो स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं, तो समाज कार्य के ये किसका, समाज कार्य किसका विरोध करते, इसी का विरोध कर रहा था। जी सर, समाज के तक भाई ये जरूरी थोड़ी ना है कि योग्य पुरुष जो है बेहतर समझ रहा वही होगा, तो सबके आलोचनाओं के विचार थे, ये आलोचनाओं के आधार पर था, लेकिन सामाजिक डार्विनवाद के अंतर्गत ये शब्द ही मेंशन थे, वैयक्तिक भिन्नता की सर अब समझ गए बात करते है ना, तो वो बेटर था, मानव विकास का विश्वास भी बेटर था, परोपकारिता सहानुभूति का सिद्धांत भी होना चाहिए था, ये सारी चीजें सोशल वर्क कहता होना चाहिए, बट ये नहीं कहता, ये जरूरी नहीं था कि भाई समाज कार्य में कि योग्यतम का उत्तरजीविता का ही विचार इस पर मेंशन हो, ये नहीं मानता था, इसलिए इसका विरोध करता था, ये है ना, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समाज कार्य का औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पहला संस्थान था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होगा। जी सर, TISS। ओके, चलिए और भी अपने विचारों को और भी लोग हैं बताते रहिए, थोड़ा बहुत समझते रहिए, TISS के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर अगर TISS बता रहे हैं आप लोग तो। सर 1936 में स्थापना हुई थी उनकी, और पहले दादा भाई नौरंगजी के नाम से जाना जाता था, फिर 1940 में उनका नाम चेंज हो गया था। 44 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
चाहिए ध्यान सुनने का। देखिए भारत में समाज कार्य का शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्य था, शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्य था भारत में समाज कार्य का, तो वो सर्वप्रथम 1936 था, और उम्मीद है कि आप जानते भी है 1936 था। 1936 में बेसिकली इसको कहा गया सर दोराबजी, है ना, सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, सोशल वर्क। इसका नाम परिवर्तित हुआ, और ये परिवर्तित हुआ 1944 में, नाम रखा गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बाद में इसका रखा गया। बेसिकली जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा गया तो उस समय, अगर मैं हालांकि जब सर दोराबजी की बात मैं कर रहा हूँ उस समय, तो जो सर्वप्रथम निर्देशक के रूप में आए, सर्वप्रथम निर्देशक के रूप में, तो वो उनका नाम था डॉक्टर मंसर्ट, मंसर्ट। और इसकी स्थापना किसने किया तो टाटा जहांगीर नाम आता है, टाटा जी सर जहांगीर नाम आता है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं इसके निदेशक के रूप में तो शालिनी भारत, जी सर डॉक्टर शालिनी भारत, शालिनी भारत नाम आता है, ठीक है, ये वर्तमान में नाम आता है। और ये बेसिकली सर्वप्रथम सवाल हमारे सामने क्या है कि निम्न में बताइए भारत में समाज कार्य का औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाला, औपचारिक मतलब एक तरह के सही तरीके से अगर हम बात करें उसका प्रदान करने वाला, तो वो था आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1936। अच्छा, आपने नाम सुना होगा काशी विद्यापीठ के बारे में, है ना जी सर, काशी विद्यापीठ का नाम सुना, सोशल वर्क में ये प्रक्रिया अपनी निभाई विद्यापीठ में,
तो इसकी जब स्थापना हुई तो 1947 में हुआ, समाज विज्ञान विद्यालय खुला। वहीं अगर हम बात करते हैं 1946 में दिल्ली सोशल वर्क की भूमिका आई, दिल्ली सोशल वर्क की भूमिका आई है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से 1950 में तो नाम आया बड़ौदा का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 1952 में किसका नाम आया, मद्रास सोशल वर्क का आया, बात सही कि नहीं। 1955 में बात करते हैं तो आगरा का आया, बात करें ठीक नहीं बताइए जी सर। हाँ, ये तो भूमिका आप लोगों ने सोशल वर्क का नाम तो देखा ही देखा है सर। लखनऊ वाला 1949 में आया था क्या जी? लखनऊ, लखनऊ 1949 जी, लखनऊ, लखनऊ 1949 ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है। अच्छा देखिए, इसके बाद बेसिकली एक पीजी आप ये कह लीजिए प्रोग्राम या डिप्लोमा है ना, इस तरीके की जो कोर्सेज वगैरह थे सोशल वर्क में ठीक है, अपनी भूमिका समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में या व्यावसायिक समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में जो निभाया जाता था, एक सेमेस्टर वाइज आप ये कह लीजिए है ना, तो वह प्रक्रिया था सीक्रेट हार्ट कॉलेज। जैसे आपकी अगर हम बात करें इस सीक्रेट हार्ट कॉलेज थोवरा, ये चीज़ें हमें देखने को इसके अंतर्गत मिली थी ठीक है। हालांकि ये इस कॉलेज की भूमिका सन 1955 में थी, समाज कार्य का विभाग के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। तो कब की गई थी इसकी, 1955 सर। कहाँ जी, कहाँ पे था? चेन्नई में ठीक है। तो ये आपकी भूमिका बन जाती है यहाँ पे है ना, सोशल वर्क के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद आपके सामने अगर बात करें समाज कार्य विभाग दिल्ली में, आपने नाम सुना होगा जहां तक उम्मीद है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जामिया मिलिया इस्लामिया करके नई दिल्ली में है ये सोशल वर्क की भूमिका जी सर। शिक्षण प्रशिक्षण की भूमिका के रूप में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी? समाज शास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी बोलिए? समाज शास्त्र विभाग की। हाँ, समाज शास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी ठीक है। तो बेसिकली यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था जब 1988 में, 1988 के दौरान की मैं बात बता रहा हूँ। हालांकि इसकी स्थापना तो 1920 में हुई थी, अभी ये नहीं कहिएगा कि समाज कार्य तो इसी में 1920 में आ गया सर्वप्रथम, इसकी स्थापना 1920 में हुई, 1988 में केंद्रीय बन गया था ये। तो जब ये केंद्रीय बना तो उस दौरान में इस प्रक्रिया में इसने समाज कार्य की भूमिका या व्यवसाय समाज कार्य की भूमिका को उल्लेखित कर दिया। तो 1988 वाली भूमिका देखने को मिल जाती है इसके अंतर्गत। तो इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया एक जो है बेसिकली एक्ट भी बन गया 1988 में, और उसी के नाम से जाना गया समाज कार्य विभाग को लेकर। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहूँगा कि सर सोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क मुंबई वाला 1936 का, यह आप सभी लोग इसको करेक्ट कर दीजिए। क्या इस सवाल को आप सभी लोग समझ गए हो, तो एक बार बताइए जी सर। हालांकि ये चीज़ें आप लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए है ना। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो प्रश्न आपको पता चल ही रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रमदान की विशेषता नहीं है, ये सवाल हमारे सामने है, श्रमदान की विशेषता। अब आप लोग वैसे भी बता पाओगे इसका भाई, इसका जवाब क्या ऑप्शन होना चाहिए बता सकते हैं क्या आप लोग? सर पेशेवर परिश्रमिक वाला कार्य। कार्य, हाँ। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ ये पेशेवर जो है परिश्रमिक जो वाला कार्य है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? सर प्रोफेशनल होता है, किसी व्यवसाय का एक ऐसा सदस्य होता है जिसमें विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण के आधार पर चुना जाता है। तो किसी व्यवसाय का एक ऐसा सदस्य होता है जिसमें विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण के आधार पर चुना जाता है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और जो कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके या उसका आय कमाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, वकील हो गए, ये सब की भूमिका हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप बताइए कि जरा यहाँ पे श्रमदान की बात है तो सार्वजनिक भलाई के हित के लिए प्रचार का संरक्षण करना ये श्रमदान होगा, शारीरिक श्रम भी श्रमदान होगा, सामाजिक सहयोगात्मक प्रयास भी श्रमदान होगा, लेकिन व्यवसाय वाले में नहीं हो पाएगा जी। बता दिया कि जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके आय कमाते हैं, जैसे डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, चार्टर अकाउंटेंट करता है ठीक है, वकील करता है, ये सब क्या है? ये सब पेशेवर परिश्रमिक वाले कार्य कहलाते हैं है ना, श्रमदान में नहीं आते हैं ये लोग। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बताइए एक बार।
जी सर समझ पा रहे हैं, वो प्रोफेशनली हो गए सर, जो भी प्रोफेशनली कार्य है वो उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, है ना। तो मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा व्याख्या, हालांकि प्रश्न के बारे में आप लोग को साफ शब्दों में लिखा हुआ अभी है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते चलिए साथ साथ। अब देखिए मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक और सहायक समाज कार्य की पद्धति के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में। हाँ, तो इसने बेसिकली समाज कार्य की दो पद्धतियों के माध्यम से डिवाइड किया, और एक को कहा इसने प्राथमिक पद्धति कहा, और दूसरे को उसने क्या बोला, द्वितीयक और या सहायक बोला, है ना। तो आप प्राथमिक में कहते हो भैया कि केस वर्क आएगा, ग्रुप वर्क आएगा, कम्युनिटी वर्क आएगा, आप सहायक में बोलते हो कि सोशल एक्शन आएगा, सोशल रिसर्च आएगा, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा कि द्वितीयक सहायक जो पद्धति है, यानी द्वितीयक या सहायक समाज कार्य की जो पद्धति है उसको नहीं रिलेट कराता है। देखो समाज कार्य अनुसंधान, समाज कार्य प्रशासन और जो है सामुदायिक संगठन, तो देखो समाज कार्य भी यहाँ पे मेंशन है, समाज कार्य अनुसंधान भी है, समाज कल्याण प्रशासन भी है। देखो जो समाज कार्य है बेसिकली ये सोशल एक्शन लिखा हुआ था इंग्लिश में, ठीक है, ये सोशल एक्शन का पार्ट। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका प्राथमिक पार्ट को निभाता है। बिल्कुल होना चाहिए भाई, क्या ऑप्शन फोर करेक्ट होगा कि नहीं, बोलिए यस या नो सर। यस। हाँ ठीक है। अब देखो आप लोगों ने नाम सुना है सोशल डायग्नोसिस के बारे में, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं सोशल डायग्नोसिस किताब। वर्ष बताइएगा आप लोग नाम। सर 1917। 1917 सर। 1917, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ जो आप लोगों ने अभी अभी मुझे जवाब दिया है सर 1917 मैरी रिचमंड की किताब का नाम, बहुत अच्छा काम किया है, और ये आपका करेक्ट जवाब है यहाँ पर 1917 ही, ठीक है 1917 में ये सोशल डायग्नोसिस किताब आई थी, सर्वप्रथम किताब मानी जाती है इसको बेसिकली। अब ये नहीं कि आपको सोशल डायग्नोसिस के बारे में ही पता होना चाहिए, आपको पता यहाँ तक ये भी होना चाहिए कि वॉट इज सोशल केस वर्क एंड इंट्रोडक्टरी जो है डिस्क्रिप्शंस किताब थी, मैरी रिचमंड की किताब थी, और ये किताब सन 1922 में आई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में भी जानते हैं। जी सर। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से, तो आपने एक नाम सुना होगा फ्रेंडली विजिटिंग कर, विजिटिंग अमंग द पुअर, अमंग द पुअर, या किताब थी हैंडबुक फॉर चैरिटी वर्कर्स पर थी किताब, और इस किताब ये किताब बड़ी फेमस थी, परीक्षा में भी आती है, 1899 की ये किताब थी, इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने एक किताब और लिखा द गुड नेबरहुड, द गुड ठीक है नेबर इन द मॉडर्न सिटी, इन द मॉडर्न ठीक है मॉडर्न सिटी, और ये किताब आई 1907 में, ये किताब आई 1907 में। उसके बाद वॉर एंड फैमिली करके किताब लिखी इन्होंने, और ये किताब आई सन 1918 में, 1918 में। सोशल डायग्नोसिस तो पता है आपको, यहाँ पे लिखी है ऑलरेडी, ठीक है ये चीज़ तो आपको जानते ही अच्छे तरीके से। और उसके बाद व्हाट इज सोशल केस वर्क, ये भी आपको पता है, मैंने बताई दिया आप लोगों को 1922 में, है ना। तो ये कुछ किताबें हैं, इन किताबों के बारे में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था, मैरी रिचमंड के बारे में, बहुत ही फेमस पर्सन, और एग्ज़ाम में इनसे सवाल जो है पूछे भी जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर एक नाम देख रहे हैं आप लोग, मार्क कर्टनी का नाम, मार्क विसेंट कर्टनी, ये एक जो है अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक राइडर हैं ये, एक राइडर हैं ये, और राइडर आप समझ रहे हो, राइडर राइडर समझते हो, राइडर मोटरसाइकिल स्पीडवे राइडर हैं ये, है ना। और ये बेसिकली ब्रिटिश लीग की ब्रिटिश लीग में यात्रा की थी इन्होंने, और इंग्लैंड के राष्ट्रीय स्पीडवे टीम के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय कैप को कप को इन्होंने अर्जित किया है। इससे सवाल इन्होंने बेसिकली एम्स का पेपर था, तो जाहिर सी बात है किसी अदर पर्सन को भी ये डाल देते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये सोशल वर्क को रिलेट नहीं कराते हैं। हैरी स्पेक्ट का नाम, हैरी स्पेक्ट नाम सुना होगा आप लोगों ने, जानते हो हैरी स्पेक्ट के बारे में, बताइए, अगर नहीं पता है तो पूछिए। नहीं सर।
हाँ इसी तरीके से ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊँ तो इमोशनली इमोशनली इंटेलिजेंट सोशल वर्क है ना, एक किताब रही है इनकी, और इनकी एक जो भूमिका थी समाज कार्य में, सोशल एक्शन में इनकी भूमिका थी, इनकी अगर भूमिका अगर हम बात करते हैं समाज कार्य में थी तो वो भूमिका सोशल एक्शन में थी है ना। तो इन्होंने एक मेंशन किया था जो है किताब अनफेथफुल जो है एंजल्स के बारे में, अनफेथफुल एंजल्स के बारे में इनका कॉन्सेप्ट था समाज कार्य के व्यवसाय के पतन की बेसिकली, और उसके पतन के बारे में इन्होंने मेंशन किया मार्क कर्टनी ने और हैरी एस्पेक्ट दोनों ने अपनी भूमिका निभाई। फिर बाद में सामाजिक समस्याओं को व्यक्तिवादी समाधान पर इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने कहा कि अगर समस्या अगर है तो उसको व्यक्तिगत तरीके से समाधान किया जाए तो बहुत बेटर रहेगा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि व्यक्तिवादी समाधानों में अमेरिका में अत्यधिक विश्वासों में गरीबों को इसमें छोड़ देने वाला कोई व्यक्ति अगर था तो उस भूमिका बताइए जो समस्या को समाधान करने में भूमिका थी व्यक्तिवादी समस्याओं को। तो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो हैरी स्पेक्ट का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने नाम सुना होगा साइमन पेटिट के बारे में, आपने सन 1955 में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि सामाजिक कार्यकर्ता एक शब्द आया था, कार्यकर्ता शब्द दिया था। हाँ, तो उस कार्यकर्ता शब्द को अगर किसी ने दिया है तो उस विद्वान का नाम है साइमन पेटिट, यहाँ पे साइमन पेटन लिखा हुआ है लेकिन वो वही नाम है साइमन पेटिट, और ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता का, यहाँ तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आ जा रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, सवाल क्या कह रहा है अनफेथफुल एंजल्स। अरे भाई अभी अभी मैंने बताया है, अभी अभी मैंने बताया, मुझे उम्मीद ही नहीं था कि ये सवाल आ जाएगा अगला। अनफेथफुल एंजल्स अभी भी नोट करवाया था कि नहीं बताइए, हैरी पेटेट और मार्क्स कटनी का नाम अभी भी बताया है। भाई बोलो तो सही। जी सर, हाँ अभी अभी मैंने बताया, ये आपको बता दूं इनकी जो ये किताब थी इस किताब का पूरा नाम यही है, हाउ सोशल वर्क हैज अबेंडेंट इट्स मिशन के लेकर इन्होंने ये किताब को मेंशन किया था, और ये दो नाम आते हैं हैरी स्पेक्ट और मार्क कटनी का नाम, सन 1994 की, कब की है सन 1994 की है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए साइमन पेटिट का नाम लिख दिया मैरी रिचमंड के साथ, मार्क कटनी का नाम लिख दिया इनके साथ ठीक है। तो 1994 आप रखिए, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, DSSB के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि DSSB में आप ध्यान रखिएगा कि आपको सोशल वर्क भी प्रश्न बनाएगा, सोशोलॉजी भी प्रश्न बनाएगा है ना ठीक है। क्रिमिनोलॉजी तो बेसिकली लगभग 10-20% आने वाले हैं क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आएंगे 10-20% मान के चलिए, बाकी तो 80% यही कवर करेंगे ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल हमारे सामने ये है, आप देख भी सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए न्यूयॉर्क एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बड़ा ही फेमस सवाल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या बता सकते हो बताइए सर। 1843। चलिए कुछ विचार भी बताइए थोड़ा सा, थोड़ा बहुत सर ये नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो ये जो किताब ये जो चीज़ें मेंशन की गई है कि गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए, गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए ये बेसिकली मेंशन किया गया और बताया गया इसमें कि सुधार के लिए एक न्यूयॉर्क एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, ये 1843 में की गई थी। मैं बता दूँ यहूदी गरीबी पर महानगर परिषद को लेकर, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में लेक एंटोनियो ने दक्षिण में स्थित न्यूयॉर्क एक मॉनरो काउंटिंग का एक शहर है, और उसी संबंध में मैं बता दूं कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ये गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए यह एक एसोसिएशन था, एक संघ था जिसकी स्थापना की गई थी, और वह वर्ष अगर आपसे पूछता है तो आप ज़रूर बताइए 1843। मैंने हिस्ट्री लिखवाया है, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, आज एक बार हिस्ट्री का पेज ओपन करिएगा तो आपको ये वर्ष जरूर मिलेगा 1843 का, और ये नाम जरूर मिलेगा गरीबी की स्थिति में सुधार के लिए ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, बाकी ऑप्शन कोई रिलेट नहीं कराता इसमें। अगर मैं आपसे बताऊँ तो इसको रिलेट कराना चाहिए था ऑप्शनों को, तो अहमदिया आंदोलन हो गया, अलीगढ़ आंदोलन हो गया ठीक है, ब्रह्म समाज वगैरह हो गया, देवबंद आंदोलन हो गया, इन सभी चीज़ों को रिलेट कराना चाहिए था उसके वर्षों को ठीक है।
तो यहाँ आपको ध्यान रखना ऑप्शन फोर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 1843। सन 1926 की बात है और ये आप लोगों ने नाम सुना होगा CASW का क्या अर्थ होता है, 1926 में स्थापित हुआ था। इसका पूरा नाम बेसिकली यहाँ पे तो मेंशन ही किया गया है, कैनेडियन एसोसिएशन सोशल वेलफेयर। हाँ बिल्कुल बता सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो देखो मैं अगर आपसे बात करूँ तो कैनेडियन एसोसिएशन फॉर सोशल वर्कर्स है ये। अच्छा आप जानते हो ये क्या था? सर ये कनाडा में सोशल वर्कर का एसोसिएशन होगा, जैसे हमारे इधर सोशल वर्कर्स एसोसिएशन है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बार MSW के स्टूडेंट के लिए क्लास चलाया था, अगर जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो उस दौरान मैंने जो है कनाडा और आपको वियतनाम, मलेशिया इत्यादि कंट्री के बारे में मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, है ना। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है CASW, सी से कनाडा है, ए से एसोसिएशन है ऑफ, और एस से सोशल है और डब्ल्यू से वर्क है। तो कनाडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की बात यहाँ पर की गई है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और अभी इसने हाल ही में 8 जनवरी 2024 को कनाडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स को अपने नए आचार संहिता संसाधन को लॉन्च करने पर गर्व है। इसने बेसिकली उसमें अपने नए आचार संहिता को मेंशन किया है, आचार संहिता को लागू करा है, और कनाडियन सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इस मार्गदर्शन का दस्तावेज का पहला बड़ा बदलाव दर्शाया गया भी है कि एक इतना बड़ा बदलाव किया गया। आचार संहिता पहले नहीं थी, इन्होंने आचार संहिता भी 8 जनवरी 2024 को लागू कर दिया है कनाडा वाले ने, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएगा आपको कि हाल ही की बात है, 8 जनवरी 2024 की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तथ्य बनेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों ने डाइट शब्द तो सुना ही होगा। अब देखो दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया, 10 क्वेश्चन था दूसरा सेक्शन, सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड द कंटेम्प्रेरी जो है कॉनर्स की बात की जा रही है और इसके बारे में ये जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे है आपको 10 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन से बेसिकली 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। HIV/AIDS का भी अभी आपको मिलेगा 10 सेक्शन, है ना, ठीक है। जितने भी सेक्शन है 10, क्या आप ये जानते हो इसके बारे में, डाइट के बारे में बताइए। नहीं सर, टीचर ट्रेनिंग वाला है ये डाइट। बिल्कुल गवर्नमेंट, बिल्कुल। आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, एक आप ये कह सकते हो कि एक नोडल एजेंसी है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विशेष संदर्भ में प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए जो विभिन्न रणनीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनकी सफलता के लिए जमीनी स्तर पर अकादमी और संसाधन समर्थन प्रदान करता है। डाइट प्राथमिक शिक्षा में सुधार के विशेष उद्देश्य के साथ इसको स्थापित किया गया था, एक विशेष संस्थान है। आपने जैसे कि अभी जो है नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन की बात करता हूँ, 1986 चलाई गई, उसी के अनुकूल ये कार्य करती थी डाइट, जो बुनियादी दृष्टिकोण था शिक्षार्थियों को उत्साहजनक और संतोषजनक रूप से सीख देना बजाय उस जो है इसके कि उन्हें आधिकारिक निर्देशों द्वारा सिखाया जाए, है ना। तो जिस लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, जिस तरीके से सीखना चाहते हैं, उस प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की भूमिकाएँ थी इसके अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रौढ़ शिक्षा के मामले में भी वयस्कों को एक सहभागी और सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता भी दी जानी चाहिए, इस तरीके की भी बात इसके अंतर्गत की गई थी, ठीक है। इस चीज़ को अब देखिए, डाइट तो मतलब जिला से है, मुझे उम्मीद है कि आप जान रहे हो जिला से ही है। तो जब जिला से होगा तो इसका मतलब है कि हर जगह इसकी स्थापना करने की डेट भी, इससे डेट नहीं पूछता इससे कभी भी, इससे ये पूछ लो कि अगर भाई डेट वगैरह आ जाए तो डेट वगैरह नहीं आता है, रीज़न यही होता है क्योंकि डाइट जो है बेसिकली इसका उद्देश्य पूछ सकता है कि भाई इसका उद्देश्य बताइए क्या है ना, इसका उद्देश्य पूछ सकता है, उद्देश्य क्या होता है, प्रशिक्षण के लिए होता है भाई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक जो गुणात्मकता सुधार है उसको करता है, पूर्व शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करता है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, ठीक है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो स्तर पर शिक्षा संस्थाएँ हैं उनके प्रधानाध्यापकों के लिए रिफ्रेश कोर्सेज की व्यवस्था भी करता है, सूक्ष्म योजना तैयार करता है, जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करता है, प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, ये भूमिका होती है।
हर जगह इसका बेसिकली वो चीज़ें नहीं पूछी जाती है कि इसकी स्थापना की डेट बताइए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्थापना आप सर हिंदी में नाम बताना है इसका, जिला। हाँ, इसका नाम तो सिंपल है, हिंदी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो जिला संस्थान एवं प्रशिक्षण शिक्षा आप कह सकते हो, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी बोल सकते हो। हाँ, आप यही बोल सकते हो, आप इसका नाम यही है जिला, आप एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान। अच्छा, इसकी भूमिका तो बेसिकली, अगर ये किसके सुझाव पे आया था जानते हो आप लोग? नहीं सर, आप ही बता दो। अरे भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1986 के तहत इसको लाया गया था, है ना, इसी को लाया गया था, और जिला में इस प्रकार की जो संस्थान को स्थापित शुरुआत की गई थी, बेसिकली अगर आप यहाँ पे कहें तो स्टार्ट करने की जिक्र में ये 1987 से ये स्टार्ट हो गया था, 1987 से स्टार्ट हो गया था। 2011 तक के देश में, 2011 तक की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, देश में कुल टोटल 555 जिलों में ये डाइट की स्थापना हो गई। हालांकि इसलिए डेट वगैरह नहीं पूछा जाती क्योंकि अब इसके बाद तो और हो गए, है ना, 2011 तक डेटा है, और भी हो गए, इसका डेटा मिलता ही नहीं पहली बात, है ना। तो ये जब, हाँ, जब नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी ना, तब वहाँ पे मिलेगा, उसमें मिलेगा नई एजुकेशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, क्लियर रहेगा, बता दीजिए, आगे फिर बढ़ू मैं। जी जी सर, क्लियर रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। डैश सामाजिक एजेंसी के कार्यक्रम तरीकों सिद्धांतों का एक विवरण का संदर्भित करिए। सामाजिक नीति, सामाजिक नीति है जो बेसिकली सामाजिक एजेंसी के कार्यक्रम हो, उसके विधि हो, सिद्धांत हो, उसका एक विवरण को ये रिप्रेजेंट करती है, और ये बात करेक्ट भी है, है ना। सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन चलने लगा भाई अब तो? अब ये वाला देखिए, आपसे कह रहा है कि मानवाधिकार के संबंध में अनिवार्य अवधारणा का क्या मतलब है? अच्छा, ये तो बेसिकली देखिए, मैं आपको बता दूं, आप भलीभांति तरीके से जानते भी हैं कि मानवाधिकारों के संबंध में जो अनिवार्य शब्द है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऑप्शन 4 देखिए, तो वहाँ पे लिखा है कि मानवाधिकार स्वेच्छा से नहीं छोड़ा है, अतिरिक्त विशेषाधिकार के लिए इसका सौदा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, इसका पहले आप समझने का प्रयास करिएगा, इसकी मीनिंग को, ये क्या चीज़ दर्शाने का प्रयास कर रहा है और क्या चीज़ है ये। देखो, मानवाधिकारों के संवर्धन और सम्मान में शिक्षा, उसके विस्तार और उचित ज्ञान की अहम भूमिका होती है कि नहीं? इसलिए मानवाधिकारों की शिक्षा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभिन्न घटक होनी चाहिए, एक अभिन्न घटक होनी चाहिए। तो मानवाधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो पूर्णतः, अगर हम बात करें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसने कहा कि मानवाधिकारों को स्वेच्छा से नहीं छोड़ा जा सकता है, या अतिरिक्त विशेषाधिकार के लिए उसे सौदा नहीं किया जा सकता है, और ये बेसिकली एक अनिवार्य अवधारणा का इम्पोर्टेंस बता रहा होता है। तो अधिकार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के संरक्षित करने के लिए आवश्यक है, है ना। तो अनिवार्य अवधारणा क्या महत्व दे सकती है? देखिए, अब सिंपल पहले ऑप्शन देखिए कि मानवाधिकार जीवन भर के व्यक्तियों के पास रहते हैं और उन्हें छीना जा सकता, सॉरी, उन्हें छीना नहीं जा सकता है, मानवाधिकार छीना नहीं जा सकता। अगर आप संविधान के प्रति अगर आप अवहेलना करते हैं और किसी चीज़ की, इस तरीके से जिसे नागरिकता जो चीज़ें होती हैं उसको अगर आप सोचोगे, तो क्या मानवाधिकार ये चीज़ें हो सकती नहीं पहला ऑप्शन में? तो वहाँ बताइए, अनिवार्य कहाँ से बन जाएगा ये? फिर दूसरा कहता है मानवाधिकार विशिष्ट समूहों या समुदायों तक ही सीमित है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा सर, गलत है कि मानवाधिकार का कोई ऐतिहासिक आयाम ही नहीं, क्यों नहीं भाई, बिना ऐतिहासिक आयाम के मानवाधिकार आ गया, ठीक है। और फिर ये स्वेच्छा से नहीं छोड़ा जा सकता, आप ये सोचो कि हम अपनी इच्छा, भाई हम नागरिक नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है,
ऐसे थोड़ी हो सकता है। अतिरिक्त विशेषाधिकार के लिए उसका सौदा नहीं किया जा सकता है, और ये बात आपका करेक्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव शब्द अगर कोई है तो वो केवल केवल ऑप्शन फोर है ना, केवल फोर। यहाँ पे केवल आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मानवाधिकार है क्या, और उसी के आधार पर सवाल है कि मानवाधिकार के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना, है ना। बताइए, क्लियर है, बताइए एक बार। हाँ जी सर। ओके जी सर, क्लियर है। अगला, हाँ, अब देखिए एक सवाल और हमारे सामने आ रहा है, और वो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है एक प्रतिबंध जिसके तहत किसी व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूह के भीतर शादी करने की आवश्यकता होती है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। अल्प विवाह है, अल्प विवाह का आपने लोगों ने नाम सुना होगा, जो है पॉलिजेमी के बारे में सुना होगा जहां तक उम्मीद है। एक गैर विवाह है, इसको आप लोगों ने सुना होगा एक्सोजेमी के बारे में जी सर। और एक अति विवाह है, इसको आप लोगों ने सुना होगा हाइपरजेमी के बारे में। एक अगर हम बात करें संगोत्र विवाह है, इसको आपने क्या सुना होगा इंडोजेमी के बारे में, है कि नहीं, बताइए। अब अगर शायद अब इस तरीके से आप सवाल को अच्छे समझ पाओगे जी सर। अब देखो पॉलीजेमी है वो बहुविवाह है। अब विवाह का अर्थ यही होता है कि भाई बहु का मतलब होता है और बहुत, है कि नहीं। जेमी मतलब एक प्रकार से गामोश शब्द का अर्थ किया जो विवाह को रिप्रेजेंट करता है, यानी बहुविवाह। तो उन विवाहों से संबंधित है जिसमें व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है उसे बहुविवाह का पार्ट मान लिया जाता है कि नहीं। उसे ही बहुपत्नी प्रथा के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, बहुपति के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, बोलिए यस या नो। जी सर सही। हाँ, अब देखिए एक बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह में तो सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं कि ऐसा समूह होता है जहाँ पे पेयर या युग्म रिश्तेदार समूह में रहते हैं, है कि नहीं, और वो किसी और जाति से विवाह कर लेता है, मतलब बहिर्विवाह। बहिर्विवाह की अगर डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या बताना उचित समझेंगे बहिर्विवाह का, बताइए सर। जो अपनी कास्ट से अलग जाके शादी कर लेते हैं, मतलब किसी जाति के अंतर जाति विवाह तथा निकट सहसंबंधी के वर्ग से बाहर विवाह का अगर कर लेता है तो उसको बोल देते हैं हम लोग कि ये बहिर्विवाह है कि नहीं। अपने गोत्र से बाहर का विवाह कर लेना है ना, या विवाह की वह पद्धति जिसमें लड़का लड़की जिस विशेष वर्ग के सदस्य हैं उस विशेष वर्ग में विवाह ना करके वो किसी बाहर विवाह कर लेते, किसी बाहर वर्ग से कर लेते, तो वो बहिर्विवाह का पार्ट बनता है। यस या नो, बोलिए। जी सर। यस सर, बिल्कुल जी सर, जवाब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाइपरजेमी के बारे में, देखो हाइपरजेमी बड़ा फेमस शब्द है, उम्मीद है कि आप इसके बारे में भी जानते हैं। अरे भाई बोला करो, हाँ हाँ या ना। जी जी सर जी, है ना। तो देखो अब देखो हाइपरजेमी का मतलब होता है उच्च वर्ग में विवाह, सिंपल सी बात है जी सर। हो जाएगा ये हाइपरजेमी में उच्च विवाह, मतलब आप सोचिए सिंपल सी बात कि उस महिला से विवाह जो उच्च सामाजिक वर्ग के पुरुष से शादी कर रही है, जैसे आपने अनुलोम प्रतिलोम इस तरीके के विवाह के बारे में बताया था जी सर, तो ऐसे शब्द का यूज तो किया नहीं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि उस महिला से विवाह जो उच्च सामाजिक वर्ग के पुरुष से शादी कर रही होती है उसे हाइपरजेमी कहेंगे। इसका आप उपयोग कर दीजिए, है ना, प्रतिलोम विवाह या अनुलोम विवाह का पार्ट बन जाएगा। तो अपने वर्ण से निम्न तर वर्ण में विवाह करता करना अनुलोम विवाह, और अपने वर्ण से उच्च वर्ण में विवाह करना क्या प्रतिलोम विवाह। तो ये प्रतिलोम विवाह का अति विवाह का पार्ट बन जाएगा, ठीक नहीं जी सर। बल सी बात है, यही शब्दों को आपको समझना। अगर जिनको समझ जाते हैं वही लोग कर लेते हैं, जिनको समझ नहीं आता वो नहीं कर पाते, है कि नहीं। तो यही समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए सगोत्र विवाह, हालांकि इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं है। ये क्या होता है, देखिए सिंपल बात है, एंडोजेमी एक ऐसी श्रेणी होता है जिसे परिजन समूह जाति में विवाह का संदर्भित होता है ना। तो आप ये कह लीजिए कि इसको आप अंतर विवाह कह लीजिए, आप क्या कह लीजिए, अंतर विवाह। अब सवाल क्या है,
वह प्रतिबंध जिसके तहत किसी व्यक्ति ने सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूह के भीतर शादी किया है। भाई देखिए, परिभाषित समूह के भीतर किया है अपने जी। कहने का मतलब यही है ना कि एक एक श्रेणी, जैसे परिजन श्रेणी हो गई, समूह श्रेणी हो गया, जाति हो गया, उनमें विवाह को संदर्भित कर रहा है, तो वही तो अंतर विवाह होता है। इस प्रकार के विवाह को विशेष सामाजिक, जैसे जाति हो गया, वंश हो गया, जनजाति हो गया, गोत्र हो गया, ये सब आते हैं। इसी को बोला जाता है एंडोगेमी, और एंडोगेमी को ही एक प्रकार से आप कह सकते हो अंतर, जो है एक प्रकार से अंतर विवाह या संगोत्र विवाह। एक्सोगेमी, जैसे हमने पहले बताया आपको, बहु जो है बहिर्विवाह, जो बाह्य समूह से शादी करता है। पॉलीगेमी यानी बहुविवाह, जहाँ एक आदमी से, एक आदमी की एक से अधिक या पत्नियां हो वो। पॉलीएंड्री, बहुपतित्व विवाह होता है, जो एक महिला के एक साथ कई पति होते हैं, उसको पॉलीएंड्री कहते हैं, उसे बहुपतित्व कहते हैं। सवाल था सांस्कृतिक रूप से परिभाषित रूप में यहाँ पे समूह के भीतर शादी करना, वो था आपका सही जवाब अंतर विवाह या संगोत्र विवाह, ऑप्शन डी। क्या आप समझ पाए हैं इस सवाल को, जवाब बताइए एक बार। जी सर। कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं, है ना, आप इसको इस तरीके से। एम्स का जल्दी पेपर मिलता ही नहीं, आप वो कराते हैं उसके बाद। और ये तो ये बिहार का पेपर हुआ था, उसने TCS ने इसको जो है निकाल दिया था भाई, है ना, बाहर कर दिया था। तो उसी तरीके से ये पेपर जो है होते नहीं है, बाहर नहीं निकलते हैं। ये पेपर उसने TCS ने दिया था, बिहार का पेपर जब हुआ था तब, है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या आएगा, विवाह का एक रूप जिसमें एक पुरुष की दो या दो से अधिक पत्नियाँ हो, इतना बड़ा सरल सवाल है, तो वो बहुविवाह है कि नहीं, वो सिंपल है। अब देखिए, ये सीरियल मोनोगेमी है, सीरियल मोनोगेमी है, एक बहुपतित्व है, बहुपति भी बताया है, मोनोगेमी। पहले तो आप देखिए इसके बारे में सुनिए, सीरियल जो है, सीरियल मोनोगेमी के बारे में। अच्छा, सीरियल मोनोगेमी आप जानते हैं ये कौन कैसा विवाह है, किस टाइप का, मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, बताइए। अरे भाई, इसका मतलब सिंपल होता है, बता सकते हो क्या मुझे? सर आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत सीरियल मोनोगेमी और उसके चक्रों के बारे में जो है सेक्सोलॉजिस्ट की राय, इसके अंतर्गत एक रिश्ते के खत्म होने और दूसरे रिश्ते की शुरुआत हो जाना। अब ये समझ सकते हो कि जिसमें व्यक्ति अनुक्रमिक मोनोगेमिंस जोड़ियों में संलग्न हो जाते हैं, या मनुष्यों के संदर्भ में जब पुरुष या महिला किसी अन्य साथी से शादी कर सकते हैं, लेकिन केवल पिछले साथी से शादी करना बंद करने के बाद, यानी किसी अन्य से शादी कर लेना, किसी अन्य से शादी, जैसे सर, जैसे डाइवोर्स के बाद, डाइवोर्स के बाद, हाँ, डाइवोर्स के बाद वाली प्रक्रिया है ना, डाइवोर्स की बाद वाली प्रक्रिया ये कहलाती है। और लिविंग रिलेशनशिप जानते हो? जी सर। बस ये उसका पार्ट है, एक मोनोगेमी, हाँ, सीरियल मोनोगेमी, सीरियल मोनोगेमी लिखा हुआ ना। ओके, मतलब वो शादी नहीं करते, लिविंग में रहते हैं। हाँ, नहीं एक ऐसे नहीं है, आप, मैंने कहा पार्ट मान लो आप, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये जो है बेसिकली सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि अगर ये का ऐसा, ये जो शादी होगी तभी हो सकती है जब वो पहले वाले शादी से डाइवोर्स होगा, तभी हो सकता है, लेकिन शादी हो जाए तब, ऐसी कंडीशन पे होता है। ये सोचो शादी ना हुई हो तब, लेकिन आजकल जो है लिविंग रिलेशनशिप जो शादी से पहले भी होती है, होने के बाद वाली प्रक्रिया में, होने के बाद वाली प्रक्रिया में, ठीक है ना। तो सर एक तरह से दूसरी शादी ही हो गई, दूसरी शादी तो होगी लेकिन लंबे टर्म तक नहीं चलेगी, है ना, शादी तो हो गई लेकिन लंबे टर्म तक नहीं चलेगी, वो कभी थोड़ी ना इसका प्रूफ है कि शादी किया है, प्रूफ नहीं है ना कि ना शादी किया है। मैं भी बोला कि ये प्रूफ नहीं है, है ना, कि प्रूफ नहीं किया भाई कि शादी किया हो, किसी ने देखा ऐसी शादी, अगर किसी ने नहीं देखा तो बताओ, मैं इसको समझाता हूँ फिर कैसे, थोड़ा करो सर एक्सप्लेन। हाँ, शादी पता है, समझा दीजिए। देखो मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए एक शादी अगर कोई हुई है, अब इन पति पत्नी की शादी में क्या हुआ कि इनमें से एक डिवोर्स हुआ, तलाक हो गया, ठीक है, अगर डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, हो गए, तो ये क्या करता है, शादी नहीं किया इसने, ये रही है किसी के साथ या रहा है किसी के साथ, ऐसा आप कहोगे। ओके, ये शादी नहीं की है।
हाँ ये रह रही है, तो हो सकता है भाई कि ये लोग लंबे समय तक भी रहे। लंबे समय तक रहने का मतलब है कि प्रूफ हो जाना, यानी इसकी मतलब मैरिज हो जाना, शादी हो जाना, और शादी करना भी है। सर वैसे बोलते हैं ना सर, लिविंग में भी अगर बहुत टाइम तक मतलब 5 साल मिनिमम रह रहे हैं तो वो वाइफ वाले सारे उसको राइट्स मिल जाते हैं अगर शादी भी नहीं की है तो। शादीशुदा अगर वो 5 साल रह गया नहीं सर, अगर मैरिड नहीं है ना, बोथ आर नॉट मैरिड और लिविंग में रह रहे हैं, 5 साल हो गया मतलब ज्यादा लंबा टाइम हो गया है ना उसको, और कल को बच्चा बच्चा हो रहा है तो सारे राइट्स उसको वाइफ वाले मिलते हैं। बच्चा होने के बाद बताइए ना। अच्छा बच्चे जब नहीं हो रहे तब थोड़ी ना हो जाएगा, बच्चा होने के बाद। अभी उत्तराखंड सरकार में ऐसा अभी ये अधिकार दिया गया है। हाँ? क्या कि 5 साल बाद लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो शादी हो जाएगी, ऐसा कुछ कह रहे हो सर आप? नहीं सर, अगर आप रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होता है वहाँ पे। हाँ तो वो रजिस्ट्रेशन, ओके ओके, अगर आप, मैं समझ गया, अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो फिर ये थोड़ी ना हुआ शादी हो गई, वो तो रजिस्ट्रेशन करवा लिए फिर तो जब हटेंगे तो रजिस्ट्रेशन हट जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको जाके हटवाना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ वही, आप जाके हटवा दीजिए भाई, खत्म मैटर, वही चीज है, फिर वो शादी थोड़ी ना हुई, वो एक नहीं सर, शादी में नहीं आएगा। हाँ वो एक शर्त है ना, ये तो शर्त रखी उसने, ये एक नियम बनाया उसने कि शर्त है ये, उत्तराखंड अगर ऐसा किया है तो, है ना, ये शादी नहीं है। ठीक, अगर शादी होता तो यहाँ पे सीरियल मोनोगमी तो फिर होता ही नहीं, है ना, ये फिर होता ही नहीं, समझ रहे हो आप? और देखिए एक तो बहुपतित्व है ये तो आपको पता है, एक मोनोगेमी है, मोनोगेमी तो मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, आई थिंक मुझे पता है कि आप लोग जानते भी होंगे, बता सकते हो मोनोगेमी? एक ही बार विवाह करने की प्रथा, एक समय में केवल एक व्यक्ति से विवाह और उसी प्रथा और एक ही विवाह प्रथा जो कराता है वो मोनोगेमी कहलाता है कि नहीं? सर एक ही पत्नी और एक ही पति मतलब एक एक बार ही शादी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इंडिया में फेमस है जी सर, मोनोगेमी है वो, मोनोगेमी। आगे देखिए, ये भी सवाल देखिए, मुझे पता है आप लोग तुरंत उत्तर देख रहे हो, प्रश्न भी नहीं पढ़ रहे हो, उत्तर देख रहे हो, ध्यान सुनो कि समूह का वह प्रकार जिसके सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने संपर्क। अब देखिए ये क्या है, ये विशेषता है किसका? केस वर्क। हाँ सर, प्राथमिक समूह का जी जी। अंतरंग है ना, अंतरंग अंतरंग अंतरण अंतरंग एक ही होता है ना, व्यक्तिगत और औपचारिक संबंध रखते हैं तो वो जाहिर सी बात है प्राथमिक समूह के लिए, है ना, बहुत सिंपल सवाल है। अब इस महोदय ने शायद गलत सवाल किया है, तो इस सवाल का देखो माइनस किस तरीके से हुआ है, -1/4। सर तृतीय समूह क्या रहेगा? तृतीय समूह आप इसके अंतर्गत किसको समझेंगे बताइए, कोई और भी स्टूडेंट बताएं। तृतीय समूह क्या, जैसे बात समझ में आती, माध्यमिक आ गया आपका, आपका माध्यमिक द्वितीय ही होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा तृतीय वाले में, वो जो सर्व करते हैं कृषि वाले। हाँ कृषि, कृषि बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही पूछ रहा हूँ, कृषि हो गया, सर्विस, सर्विसेज हो गई, जो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सेवा क्षेत्र है, ये क्या है, सेवा क्षेत्र, सर्विसेज वाली सेवा क्षेत्र है ये, सेवा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी तो दो ही तो होते हैं ये। हाँ जी हाँ जी, अगर हम बात करते हैं तो दो ही होते हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो। और बंद समूह क्या रहेगा सर? ये क्लोज ग्रुप है, क्लोज्ड ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, आपने नाम सुना होगा, जानते हो सर थोड़ा बताएं तो। अरे भाई ये सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लोज ग्रुप क्या है, तो ये एक बंद समूह है जो छात्रों का एक निजी समूह के रूप में संदर्भित होता है, निजी प्राइवेट। ओके ओके सर, जो जैसे ये क्लब वाले हो गए या कोई फैन क्लब हो गया ऐसे वाले सर? हाँ आप फ्रेंड सर्कल आप कह लीजिए, है ना, फ्रेंड है कि नहीं सर? ठीक है सर, तो उसको बोल दिया जाएगा इसको, है ना, तो संगठन एजेंट वगैरह में औपचारिक कार्यक्रम सहमति वगैरह ये चीज आ जाती है इसमें, ये क्लोज्ड ग्रुप हो जाता है,
लेकिन ये सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ आमने सामने हो रहे हैं ना, तो एक दूसरे, ये तो विशेषता ही इसकी है ना, ये देखो कई विशेषता इसमें दिया है, एक दूसरे के साथ आमने सामने संपर्क होना, अंतरंग होना, व्यक्तिगत होना, अनौपचारिक होना, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान, बहुत बच्चे क्या करते हैं औपचारिक वाले को ना प्राथमिक, लेकिन औपचारिक प्राथमिक नहीं होता, औपचारिक माध्यमिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये माध्यमिक होता है, ये माध्यमिक, इसका उल्टा करते जाइए बस आपको समझ में सारा आ जाएगा इसका उल्टा। अब देखिए समाज कार्य में ना मानवाधिकार एवं मानवीय गरिमा का सिद्धांत किस पर बल देता है, व्यक्तियों के बीच संसाधनों के समान रूप से वितरित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को प्रोत्साहन करना। अब सोशल वर्कर, अब देखो मानवाधिकार मानवीय गरिमा है, सिद्धांत है, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र जैसे इस प्रक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि भाई व्यक्तियों के बीच में समान रूप से वितरित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को मोटिवेट करना। जी सर वो गलत हो गया, जो वर्कर है जो कार्य कर रहा है वो थोड़ी ना यहाँ पे अपनी भूमिका निभा रहा है। जी सर तो मोटिवेट करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद एक्टिव है, वो तो खुद लगा रहा है इस रूल को। फिर व्यक्तियों के हथियार, व्यक्तियों के हथियार रखने और करने का अधिकार का मान, देखिए ये मानवाधिकार थोड़ी ना है, गलत है सर, गलत है ये तो। विभिन्न संस्कृतियों में समरूपी, ठीक है, सुनिश्चित करके एक समावेशी समाज को बढ़ावा देना। देखो विभिन्न संस्कृतियों को और समरूपी सुनिश्चित करके समावेशी समाज को, जो इंक्लूसिव है, एजुकेट इंक्लूसिव सोसाइटी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। और सर ये भी गलत हो जाएगा, मानवाधिकार में संस्कृति नहीं होगी। पहली बात इंक्लूसिव में अगर मैं आपसे कहूँ तो विभिन्न संस्कृतियां तो रिलेट ही नहीं होगी यहाँ पे। जी सर है ना, यहाँ पे अगर आप कहते आप विभिन्न संस्कृतियों के बजाय कि एक उसकी संस्कृति जो पिछड़े वर्ग या पिछड़े समाज से हो, एक वो संस्कृति के बोलते आपकी जो संस्कृति में सक्षम हो या सक्षम हो, उन दोनों को रिलेट करा के आप बताते ना, तो यहाँ पे सही था। आपने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे स्पष्टीकरण किया ही नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। सभी लोगों को अंतर्निहित मूल्य और गरिमा का सम्मान करना, उनके अधिकारों को कायम रखना, ये देखो सही है शब्द है, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। जी सर तरीके के सवाल ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना। तो देखिए जैसे सभी सर वैसे इजी आए हुए इसमें क्वेश्चन ना, ज्यादा घुमा के भी नहीं पूछे हुए। नहीं यही तो है, यही बात है कि ये सवाल बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत, आप लोग एग्जाम में जब बैठते हो तो गड़बड़ कर देते हो, है ना, यही गलत काम करते हो। यही मैं कहता हूँ कि क्वेश्चनों को ना तोड़ना सीखो, बस जब तोड़ना सीख जाओगे तो इजीली समझ में आएगा। देखो ये सवाल कितना सरल है, परिवार का एक पैटर्न जहाँ परिवार के सदस्य पिता परिवार के पुरुष सदस्य अधीन है, तो बताइए मात्र तो माता तो है नहीं, बात बात पिता की हो रही है, तो पिता एकल तो होगा नहीं इसलिए कट जाएगा, लोकतांत्रिक होगा नहीं कट जाएगा, पितृ कहोगे आप क्योंकि पिता है यहाँ पे, अधिकार सत्ता का अधिकार होता है, तो यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए और ये सत्य जवाब है। हाँ अगर आपको यहाँ पे कहता कि परिवार के सदस्य मात्र या परिवार के माता सदस्य के अधीन होते, तब यहाँ पे जवाब क्या लगाते हैं आप, पहला मात्र है कि नहीं, सही बात है, बोलिए बोलते बड़ा लेट हो सर, वो माइक ऑन करना होता है ना। हाँ ये बात सही है, हाँ सर स्क्रीन छोटी रहती बड़ी होती है, फिर माइक ढूंढना हो फिर इसीलिए। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, चलो अच्छी बात है, तो ऐसा भी होना पड़ता है। नहीं ये तो मैं जानता हूँ भाई, अनम्यूट करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप स्क्रीन भी छोटा करोगे, फिर ये भी करोगे वो भी करोगे, बड़ी होती है ना सर, तो जब माइक घूमते तो स्क्रीन छोटी हो जाती है। हाँ हाँ ये बात सही कह रहे हो आप। तो देखिये अगला क्वेश्चन नंबर 9, देखिए एक नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं रेमंड एरोन का नाम, समझिएगा थोड़ा सा डैश, इन्होंने कहा कि मास्टर की उन लोगों की आज्ञाकारिता प्राप्त करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जो सैद्धांतिक रूप से प्रति उत्तरदायी होता है। इन्होंने देखो तुक्का मारा और माइनस मिल गया, तो जो चीज ना समझ में आए उसे ना करो, अच्छी बात है। इन्होंने थर्ड लगा था नियंत्रण लगा था, जो कि नियंत्रण गलत था, यहाँ पे देख लीजिए आप माइनस, देखो अगर जहाँ पे टू थर्ड होगा तो वो टू थर्ड है इस तरीके से, मतलब जो रूल लिखा होता है बेसिकली तो वन थर्ड वन फोर्थ होता है। तो देखिए अब ये एक विद्वान का नाम है ना, ये अगर मैं बात करूँ तो एक विद्वान का नाम है, एक पर्सन का नाम है और नाम है रेमंड एरोन का नाम, ये फ्रांस के फिलोसोफर हैं और सोशोलॉजिस्ट हैं। आपको बता दें इन्होंने सन 1965 में डेमोक्रेसी, आपको बता दूँ
डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने जिक्र किया था, इनका 1965 में लोकतंत्र के बारे में बड़े ही अच्छे से जिक्र किया था रेमंड, जो है रेमंड एरोन महोदय ने। यहाँ तक कि इन्होंने द ओपिनियन जो द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल की बात किया था, द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल की बात किया था, और ये जिक्र इन्होंने किया था 1955 में। क्या जिक्र किया था? द ओपियम, ओपियम ऑफ, ओपियम क्या होता है सर? बता रहा हूँ, ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स की बात इन्होंने किया था, है ना। इस शब्द के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। देखिए, जो ओपियम शब्द इन्होंने रिलेट कराया था, आपने नाम सुना अफीम? जी सर। अफीम एक नशा की एक प्रकार से, जैसे ड्रग्स, ड्रग्स लेने वाली प्रक्रिया, एक व्यसन पदार्थ है, है ना, ड्रग्स। उसी अफीम को ही इन्होंने ओपियम कहा। ओपियम को ही बोला भी जाता है इंग्लिश में ओपियम, है ना, ओपियम बोला भी जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसी के बारे में इन्होंने जिक्र किया था कि अफीम से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके की चीज़ आती है, किस तरीके से व्यक्ति व्यसन हो जाता है, इसके बारे में जिक्र किया था इन्होंने। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं मैं, इन्होंने कहा कि लोगों की आज्ञाकारिता प्राप्त करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया, और कहा कि सैद्धांतिक रूप में उसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो अधिकार होता है, वो राइट्स होता है। एरोन महोदय अगर ये जाने गए हैं तो रूढ़िवादिता पर संदेह के लिए जाने जाते हैं, रूढ़िवादिताओं पर संदेह के लिए जाने जाते हैं रेमंड एरोन महोदय, है ना। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस शब्द है इनका, और ये अधिकार की बात करते हैं, लोगों की आज्ञाकारिता प्राप्त करने की क्षमता को लेकर। तो दो लोकतंत्र आवाज आ रही है क्या सर की? नहीं आ रही अभी, चली गई आवाज, चली गई सर, अब आ रही है। चलो ठीक है, ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संबंध में, ठीक है। ठीक है सर, ये बस इतना ही रखिए क्लास आप लोग, ठीक है सर। एक लास्ट क्लास, चलो मैं कल ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इसके बारे में, फिर ह्यूमन बिहेवियर पर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहा हूं आप लोग, क्योंकि मैं एम्स का पेपर का ये है आगामी, जैसे और पेपर होते वगैरह मेडिकल, तो आप सर एमपीपीएससी वाले में भी भेज दीजिएगा ये पेपर। हां बिल्कुल बिल्कुल सर, हम